दफाओ जो ये चलते चलते असम का गर्म में ऐसा पूरा चमड़ा निकल गया, ये पूरा चलने नहीं सक रहा, पर भी हम आपने हार नहीं मानते, पूरा ऐसा पूरा निकल गया, अंदर में पूरा पानी जमा कर दिया, पूरा ये पूरा दर्द है, ये शायद भी पूरा गाँव गाँव हो गया, ये गाँव गाँव मुद्दा लेके निकले हैं, जो डिमांड लेके निकले हैं, तो हमारा जो एलिगेशंस है वो बहुत सीरियस मैटर है, और ये मेरा पर्सनल बेनिफिट का मैटर नहीं है, ये स्टेट का कंसर्न है और नेशन का कंसर्न है, क्योंकि ये जो हम लोग टैक्स चोरी का, ये फंड चोरी का स्कीम का बात कर रहा है, ये पैसा जो है ये डेवलपमेंटल स्कीम्स जो हम लोग हम मेरा स्टेट को जो अरुणाचल को जो देता है, अरुणाचल को जो स्टेट को देता है जो डेवलपमेंटल स्कीम्स वो सेंटर से दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा स्टेट जो है चाइना से लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारा स्टेट को बहुत ध्यान दिया जाता है सेंटर की ओर से, तो बहुत सारे ऐसे न्यूमरस स्कीम्स डेवलपमेंटल स्कीम्स हमारे स्टेट को दिया जाता है, उस स्कीम को ग्राउंड रियलिटी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, 50% भी इम्प्लीमेंट होता तो आज हम ये सवाल नहीं करना था, 50% भी हमको इम्प्लीमेंट किया दिखता नहीं है, और इसीलिए हम ये इश्यू मेरा पर्सनल इशू नहीं है, ये सोशल बेनिफिट के लिए, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए, ये अरुणाचल का बेनिफिट के लिए है, और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट का जो मशीनरी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना मशीनरी को कुछ अच्छा काम में यूज़ कीजिए, हमारे फैमिली को जाके आप हमारे बारे में इंक्वायरी करना, क्या करता है क्या नहीं करता है इंक्वायरी करना, ये मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं, आपका जो मशीनरी है वो आप अच्छा काम के लिए, आपको जिसका अगेंस्ट में हम एलिगेशंस डाले हैं, करप्शन का एलिगेशन डाले, उनके ऊपर आपका SIT SIC जो भी स्टेट का लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी है उनको, उनका ऊपर लगाइए, उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, उनको पूछताछ कीजिए, उनका ऊपर सीरियसली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि पता चले, पब्लिक को पता चले, पब्लिक का डोमेन में आगे आए ये कि जो हम एलिगेशंस लगा रहे हैं सही मायने में ये सच है ना गलत है, हम बिना सबूत का बिना डॉक्यूमेंट्स का हम किसी पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते, हमारे पास एम्पल इविडेंस है, हमने हमारा जो इविडेंस का कॉपीज है जो ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपीज जो हमको मिली है वो सर्टिफाइड कॉपीज हमने ऑलरेडी दिल्ली ट्रांसफ़र कर चुका है, और वो हम अपने जो मांग मेमोरेंडम का तौर में हम PMO नरेंद्र मोदी जी को देंगे, अमित शाह जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनको देंगे, ताकि वो अपने पार्टी के ऊपर, हाँ, और JP नड्डा जी को देंगे, वो अपने पार्टी के ऊपर कार्रवाई कर सके, उचित कार्रवाई कर सके, अगर ये पाया जाए कि उनका पार्टी में कुछ जो नेता है जो गफलाबाजी किया है, करप्शन किया है, ये पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उनका ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इसी सोच के साथ हम BJP पार्टी को ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे। नीरन जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको बैक कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? अरुणाचल में किस पार्टी का गवर्नमेंट है? ओपोजिशन पार्टी का तो नामो निशानी नहीं है स्टेट में, ठीक है, और पार्टी बैकिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसमें CM बनता है अभी तो वो BJP का ही बनेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये गलत एलिगेशन हमारा नाम को, हमारा AACC का मुद्दा को भटकाने के लिए ये किसी का चाल साजिश हो सकता है, हम ये कहना चाहेंगे। हमने छोटा से देखा है, हमारा अरुणाचल में इतना करप्शन चल रहा है, कोई भी सही ढंग से आवाज नहीं उठाता है, और फाइनल तक अंतिम तक उसको सक्सेसफुल नहीं कराते, उसका कारण से क्या है कि हमारा स्टेट जो अभी लाइबिलिटीज में चल रहा है, उधार में चल रहा है, और जो भी पॉलिटिकल पावर्स में रहता है वो अपना पावर को मिसयूज करता है, तो उसको देखते हुए हम बहुत दुख फील कराते हैं, ऐसे हमारा स्टेट चलते रहने से हम युवा पीढ़ी के लिए आने वाला जीवन तकलीफ होगा, ऐसे करके ऐसे मैंने सोच के उसके बाद खुद से मोटिवेट होके तो मैंने एक संगठन खुला है, अपना ऑर्गेनाइजेशन खुला है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, तो इसीलिए उसके खुलने का बाद तब हम लोग ने पेपर वर्क शुरू किया, क्या क्या शुरू करने का बाद तब
आज का दिन में हम लोग ये आवाज उठा रहे कि हम लोग एग्जाम्पलरी दिखाएगा बल्कि दूसरों को दूसरा जैसे कि पहले से सदियों से चल के आ रहा है हमारे स्टेट में बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं भी एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, तो सारे जनता को एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन किस हद तक जा सकता है और सक्सेस करके ही रहेगा बोलते हैं। हम ऐसे मन बनाए इसलिए खुद से मोटिवेट होकर आज के दिन में ये उसका कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कुछ बोलने देता है ना, मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर को बोलने देता है, डिपार्टमेंट का किसी को भी बोलने नहीं देता, ऐसे मैनिपुलेट करके रखता है, हर किसी को मुंह बंद करके रखता है, बोलना चाहता है करना चाहता है कुछ कर पाता ही नहीं। तो इसलिए मेरा सवाल कहना मान हुए है आप चेयर में रहेगा पद में रहेगा सेम थिंग अभी जो चल रहा है ना स्थिति जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, मैनिपुलेट करेगा किसी को मुंह बंद करेगा वो नहीं चलेगा। आप चेयर से हाथी है मॉरल ग्रहण में चेयर से हाथी है प्योर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा रिजल्ट तब तक नहीं निकलता तब तक आप घर में बीतिए आराम से, हम लोग का आम जनता का जैसे बीतिए, तब सब कुछ रिजल्ट होने का बात अगर आए थे तो आप वापस में पद में आइए, तब तक किसी को हैंड ओवर करो नहीं तो प्रेसिडेंट रूल आने दो, हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम किसी पॉलिटिकल मोटिव में किसको किसी को सीएम बनाने किसी को मिनिस्टर बनाने ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारा वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है आप करप्शन किया है आपका ऊपर में चार्जेस होना चाहिए, आपका ऊपर में लागू होना चाहिए, वही है।